हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस हम पढ़ने वाले हैं। हम अपना चैप्टर ग्रेविटेशन हम कंटिन्यू करने वाले हैं, उसका पार्ट 4 हम आज करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचना, आई हैव डन माई मास्टर्स इन फिजिक्स। ओके, तो नाउ लेट अस कंटिन्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जितना भी आज हम पढ़ने वाले हैं वो सारा आपको, सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं, हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे क्लिक करेंगे एंड सारे के सारे नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो यू कैन लाइक अवर वीडियोज़, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला कैसे बना था, जो फॉर्मूला था वो हमने लर्न कर लिया था, उसकी वैल्यू 9.8 ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आती है ये हमें पता चल गई थी। और जब हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो फॉर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली थी, लास्ट क्लास में कर ली थी। और हमने ये देखा था कि जब कोई भी बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, यानी ये वर्टिकल मोशन कर रही होती है, चाहे वो ऊपर से नीचे गिरे या फिर नीचे से ऊपर जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वह उन तीनों इक्वेशंस में जहाँ जहाँ पे ए लिखा होता है एक्सेलरेशन, वहाँ वहाँ पे हमारा क्या आता है, जी आता है, यानी कि ए जो है वो हमारा रिप्लेस किससे होता है, जी से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, अपने न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। जो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी उन्हीं के बेसिस पे हम अपने न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, यानी कि एक कार जो है वो लेज से, यानी कि एक हाइट से नीचे गिर रही है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, यानी कि ऊपर से नीचे आने में ये जो जितना टाइम लगा वो कितना लगा है, 0.5 सेकेंड में कार जो वो नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट जी इक्वल्स टू 10.8 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन में आपको पहले से ही दे दिया गया है कि जी की क्या वैल्यू लेनी है ना। अब हमें निकालने क्या है, हमें 3 चीजें निकालनी है। देखो, व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। जब बॉडी जो है, जो कार है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो कैसा मोशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, यानी कि स्टार्टिंग में जो भी वेलोसिटी हो बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, राइट। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, ये जो पूरे 0.5 सेकेंड की जर्नी रही है कार की ऊपर से नीचे आने तक की, उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है वो हमें निकालना है। एंड थर्ड देखो, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि लेज जो है उसकी हाइट कितनी है वो हमें निकालना है। तो हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमारी क्या क्या चीजें गिवन हैं, ठीक है। अब ये देखो, हमारी कार जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो होगा क्या, यहाँ पे ऊपर से जर्नी स्टार्ट हो रही है, जो मोशन हुआ है वो अपवर्ड स्टार्ट हुआ है। तो देखो, जब भी बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे गिरती है तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि यहाँ से यू हमें मिल गया कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, हमारा टाइम कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 0.5 सेकेंड, टाइम हमें गिवन है 0.5 सेकेंड, और जी हमें गिवन है कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में हमें निकालना है फाइनल स्पीड, यानी कि वी की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी होगी। सेकेंड में हमें क्या निकालना है, देखो
सेकेंड में हमें एवरेज स्पीड निकालना है, यानी कि एवरेज स्पीड हमें निकालनी है सेकेंड पार्ट में, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हाउ हाई यानी कि हाइट निकालनी है, जो लेज है उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं वेलोसिटी, निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, टी की वैल्यू हमें पता है टाइम, एंड जी की वैल्यू भी हमें पता है। तो एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, वी इक्वल्स टू यू प्लस, और इस केस में वर्टिकल मोशन है तो यू प्लस जी टी, राइट। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज ये पता है, तो हम वी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो यहाँ से ये कितना आएगा, जीरो प्लस जी हमारा कितना है, यहाँ पे जी है यहाँ पे 10, और यहाँ पे टाइम कितना है 0.5। अब देखो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, 1/2 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जी हम टाइम को लिख देंगे 1/2, इसको कैलकुलेट करेंगे ये 1 से और यहाँ पे ये 5, तो हमारा टाइम आ गया हमारा इक्वल्स टू, हमारा जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो हमारा आंसर आ गया, कितना आया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो इनिशियल स्पीड कितना है 0, फाइनल स्पीड कितनी है 5, है ना। अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला हर किसी को पता है ना। तो यहाँ पे ये देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मीन कैसे निकालते हैं, ऊपर नंबर ऑफ क्वांटिटीज सबको ऐड कर दो, सारी क्वांटिटीज को ऐड कर दो, और नीचे जितनी भी क्वांटिटीज है उनसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे ऊपर देखो हमारी दो ही क्वांटिटीज है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी कि 2, है ना। तो अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट करेंगे अपना, सेकेंड पार्ट देखो कैसे करना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यहां पे कैसे निकलेगा, ऊपर क्या है दो ही क्वांटिटीज है u प्लस v, दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा 2 आ जाएगा। इनिशियल स्पीड कितनी है 0, फाइनल स्पीड कितनी है 5, एंड इसको डिवाइड करना है हमें 2 से, यानी कि ये आएगा 5/2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड, ये आ गया हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड। अब देखो थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, हमें क्या निकालनी है, लेज की हाइट निकालनी है। अब देखो आपको ये सोचना है, लेज की जितनी हाइट होगी, कार जो है वो जब ऊपर से नीचे जब ये मोशन कर रही है उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगी, यानी कि एक्चुअल में अगर हम डिस्टेंस कवर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हाइट भी मिल जाएगी साथ में हमारे लेज की, है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, एस, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पे वर्टिकल मोशन है तो क्या आएगा, जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे s हमें निकालना है, u हमें कितना है 0, इंटू टाइम कितना है 1/2 प्लस 1/2, g की वैल्यू क्या लेनी है 10, और टाइम हमारा क्या है 1/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, राइट। ये तो पूरी कैंसिल हो ही जाएगी हमारी, तो s हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 10 इंटू 1/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये 1 से और ये 5 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस हाइट कितनी आ गई है 5/4 meters, इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी हाइट इक्वल आ जाएगी 1.25 meters। तो हाइट ऑफ द लेज इज इतना, कितना, 1.25 meters, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया स्टूडेंट्स, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हमारे, ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली। अब की देखो लास्ट न्यूमेरिकल में क्या हो रहा था, जो कार है वो ऊपर से नीचे आ रही थी। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी जी की वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर वर्टिकली भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर की हाइट जो है वो रीच करती है। तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले किस वेलोसिटी से हमने नीचे, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था, यानी कि एक तरीके से हमें निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। एंड सेकेंड क्या निकालना है, देखो द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट, यानी कि देखो सबसे ऊपर जब जाएगी, मान लो यहाँ तक हमारी कार जो वो हमारा ऑब्जेक्ट जो वो आ गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए कितना टाइम वो लेगी ऑब्जेक्ट, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन में क्या आएगा, यहाँ पे ये देखेंगे जल्दी से, गिवन में क्या है, हमारी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। अब देखो जब बॉडी को ऊपर की तरफ भेज रहे होते हैं, तब जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट आता है, हमारा जो फाई हाईएस्ट पॉइंट आता है, हाईएस्ट पॉइंट में हमारे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, ये चीज हमें मिल गई। सेकेंड चीज जो हमें गिवन है वो कितना है, हाइट हमें गिवन है कितनी, 10 मीटर्स, हाइट हमें गिवन है 10 मीटर्स। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन, ठीक है। तो अब जी की वैल्यू भी ले सकते हैं, जी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, हम ले सकते हैं 10, तो -10 मीटर पर सेकेंड, हम कितनी लेते हैं, इसको ले लेते हैं -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू ले ली हमने। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है कितनी हो जाएगी, एंड सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन कितना लगेगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, वी हमें गिवन है और जी हमें गिवन है ना। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। यू की वैल्यू निकालने के लिए देखो एच भी हमें गिवन है, हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, क्या है हमारी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एस यहां पे कितनी है, हाइट है हमारी ऑब्जेक्ट की, कितनी हाइट वो रीच की है, तो यहाँ पे आ गया हमारा एच आ गया, है ना। तो वी स्क्वायर कितना है, फाइनल कितना है, 0, इनिशियल तो हमें निकालना ही है, तो यू माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × -9.8 आएगा ना, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, एंड हाइट कितनी है, 10 आ गई, है ना। तो माइनस ऑफ यू स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, माइनस ऑफ 9.8 × 2 करेंगे तो 19.6 × 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 196। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 196। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा 196, राइट, अंडर रूट आया 196। इसे सॉल्व करेंगे तो यू हमारा कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखो हमारी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई है, 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, या तो फर्स्ट यूज कर लो या फिर सेकेंड यूज कर लो, ठीक है। अब सेकंड निकालने के लिए देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करते हैं सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या है, टाइम निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी इंटू टी। वी कितना है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जा रही तो कितनी आ जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने निकाली 14, प्लस जी कितना है, माइनस है, तो प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9.8, और टाइम हमें निकालना है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये पूरी टर्म नेगेटिव है, इस साइड आएगा तो ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 9.8 टी हमारा इक्वल हो जाएगा 14 के। तो यहाँ से टी हमारा कितना आ गया, 14 को डिवाइड कर देंगे आप 9.8 से,
ठीक है, जब 14 को हम 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखो, 1. तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे देखो, 1.43 सेकेंड. ठीक है, तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स हो गए. हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी आई, कैसे इनको यूज करना है जब उनको हम वर्टिकल मोशन हो रहा है हमारा, है ना. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट. अब ये देखो, ये जो दो वर्ड्स हैं हमारे मास एंड वेट, इनको हम हमेशा यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस आएंगे, वो चीज हमें देखनी है. ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम और ऑफ एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. तो पहला क्या है, मास क्या है, किसी भी मैटर में क्वांटिटी कितनी है, कितनी उसमें क्वांटिटी है, उस मेजरमेंट उसको जब हम मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, मैटर, मास हो जाएगा. ठीक है, तो मास सिर्फ किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी मैटर में कितनी क्वांटिटी है, कोई चीज कितनी मात्रा में है, उसे हम क्या कहेंगे, मास बोलेंगे. और जो मास है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है कि वॉल्यूम जो है कई बार कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मास जो है वो सेम रह सकता है, एंड वो फोर्सेस पे भी डिपेंड नहीं करता कि जिस मैटर का हम मास देख रहे हैं उस पर क्या फोर्स लग रही है, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. राइट, अब सेकेंड इसमें वेट में देखो, वेट इज द मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई भी चीजें हैं, मैं हूं, आप हो, ये पेन है, जो भी चीजें हैं, उन सब पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, वही क्या हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा ऑन अर्थ. ठीक है, तो वेट बेसिकली हम क्या देखते हैं कि अर्थ जो है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेट इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हम चेक करते हैं. नाउ नेक्स्ट देखेंगे मास में, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट. मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हम देख रहे हो, किसी भी टाइम पे हम देख रहे हो. अभी यहाँ पे हम खड़े हैं तो भी मेरा मास सेम रहेगा, मैं 2 साल बाद देखूंगी तो भी मेरा मास जो है वो क्या पता शायद सेम ही रहे, है ना. तो यहाँ पे क्या है, मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो चीज डिफरेंट होती है, जो चीज बदलती रहती है, वो क्या है, वेट. वेट जो है वो चेंज हो सकता है. ठीक है, वेट जो है वो चेंज हो सकता है बिकॉज प्लेस के हिसाब से वेट जो है वो चेंज करता है. प्लेस के हिसाब से क्यों चेंज करता है, बिकॉज हर जगह पे जी की वैल्यू, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू भी चेंज करती है. माउंटेन्स पे जी की वैल्यू अलग हो जाती है, ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर हम जाएंगे तो जी की वैल्यू अलग हो जाएगी, सरफेस पे जी की वैल्यू अलग रहती है, ग्राउंड के नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, और चेंज कर जाएगी. तो प्लेस के हिसाब से जी की वैल्यू चेंज कर रही है, तो उसी हिसाब से जो वेट है वो भी क्या करेगा, चेंज करेगा. जो किसी भी बॉडी का मान लो अगर हमें वेट मेजर करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, एम इंटू जी. ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी. तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है ना, देखो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वेट जो है वो चेंज करेगा. अब यहाँ पे देखो, इट्स एसआई यूनिट इज केजी. मास को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट यूज करते हैं वो क्या यूज करेंगे, केजी यूज करेंगे. ओके, लेकिन वेट में हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर करते हैं, और फोर्स मेजर कर रहे हैं तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन आ जाएगी. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट देखेंगे, इट इज मेजर्ड यूजिंग अ पैन बैलेंस. अगर वेट को, अगर मास को मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, पैन बैलेंस यूज करते हैं. पैन बैलेंस क्या होता है, जैसे तराजू होता है, वही क्या है, पैन बैलेंस हो गया. ठीक है, वेट कैसे मेजर करते हैं, वेट को हम मेजर करने के लिए यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके हम क्या यूज करें, वेट मेजर करेंगे, वेट हम मेजर कर सकते हैं. तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए बिटवीन मास एंड वेट. ठीक है, तो ये चीजें हो गई. देखो अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. ठीक है, हमने हमें ये पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का
वेट अर्थ पे कितना होगा, ये सारी चीजें हमने देखी कि अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे क्या लगा रहा होता है, वेट लगा रहा होता है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से अर्थ जो है वो वेट लगा रही है, उसी तरीके से क्या होगा, मून भी जो है उसके सरफेस के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन पे क्या लगाएगा, वेट लगाएगा। अब एक एग्जांपल सोचना है, देखो आपको क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट है वो अभी कहाँ पे है, अर्थ पे है। जैसे मान लो ये पेन है, ये अभी अर्थ पे है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है मान लो, ठीक है। इस पेन का कुछ वेट होगा, अब मैं क्या करती हूँ यही पेन उठा करके कहाँ भेज देती हूँ, मून पे। तो इस मून का, इस ऑब्जेक्ट का, इस पेन का मून पे कितना वेट हो जाएगा, तो ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे कितना वेट है, मून पे कितना वेट हो जाएगा उसी सेम ऑब्जेक्ट का, वो हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। तो कैसे हो सकता है ये देखेंगे, ये देखो यहाँ पे देखो कैसे हो सकता है हमारा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एफ इक्वल्स टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जिसका मास है m। अभी हम क्या देखेंगे, पहले उसको अर्थ पे कितना वेट होगा वो देखेंगे उसका, और फिर उसी का मून पे वेट कितना हो जाएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे ये देखो, जैसे इस ऑब्जेक्ट का अगर वेट निकालना चाहेंगे हम अर्थ पे, तो कितना हो जाएगा, जी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर मान रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसको कहाँ पे मान रहे हैं, सरफेस के ऊपर मान रहे हैं। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसी ऑब्जेक्ट का वेट हम देखें अगर मून पे, तो मून पे कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू तो देखो यूनिवर्सल है तो वो तो चेंज करेगी नहीं ना, तो यहाँ पे मास ऑफ मून मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नीचे आएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर टू। हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर टू को हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन टू को हम इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे वेट ऑन मून वेट ऑन अर्थ ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या आएगा, जी मास ऑफ मून मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर एम का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, देखो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, फिर सेम चीज़ यहाँ पे लेके आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब जो चीज कैंसिल हो जाएगी हम क्या कर लेते हैं, उनको कैंसिल कर लेते हैं, देखो जी से जी कैंसिल, मास से ये मास कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ पे, ये देखो मास ऑफ मून और नीचे यहाँ पे रेडियस ऑफ मून इसका स्क्वायर, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, मास ऑफ अर्थ और यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर मास ऑफ मून के साथ में ऊपर आ जाएगा बिल्कुल टॉप पे, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे देखो मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, ये कांस्टेंट रहती है सारी वैल्यूज़, तो इन सबको हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे, और हम अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट देखते हैं, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या आया था, वेट ऑफ मून वेट ऑफ अर्थ ये इक्वल आया था हमारा
मास ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो मास ऑफ मून कितना है 7.36, 7.36 इंटू 10 to the power 22, ऐसे रेडियस ऑफ अर्थ 1.74, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37। सेवन पॉइंट थ्री सिक्स इंटू 10 to the power 22, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 to the power 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10 to the power 23, एंड रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा देखेंगे, रेडियस ऑफ मून इज 1.74, है ना, तो 1.74 इंटू 10 to the power 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो वेट ऑफ मून वेट ऑन अर्थ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/6। तो यहां से देखो हम एक चीज कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें वेट देखना है ऑन मास ऑन मून, तो वो हमारे कितना आ जाएगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, यानी कि अर्थ पे जितना भी वेट है उसका अगर 1/6 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का मून पे कितना मास हो जाएगा वो हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल वैल्यू याद रखनी है, जो भी वेट होगा अर्थ पे उसका 1/6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून हमें निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम देखेंगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना है 10 kg, तो वैल्यू लिख लेते हैं क्या है, मास गिवन है 10 kg, तो हमें क्या निकालना है, वेट ऑन अर्थ कितना होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या है, वेट ऑन अर्थ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मास इंटू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, फिक्स होती है 9.8 meter per second square, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा 10 into 9.8, तो वेट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा देखो 98, और वेट निकाल तो यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक और न्यूमेरिकल ऐसा करते हैं ताकि सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए, सारी चीजें हमें समझ में आए। एन ऑब्जेक्ट वेज 10 newton व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी कि वेट ऑन अर्थ हमें कितना गिवन है, 10 newton हमें गिवन है ना, तो हमें निकालना क्या है, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो मून पे कितना वेट हो जाएगा उसका वो हमें निकालना है ना। तो अभी हमने देखा था मून पे वेट कितना होता है 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, है ना, तो यहाँ पे 1/6 इंटू 10, 10 को डिवाइड कर देंगे 6 से, है ना, तो इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा 5/3, यानी कि 1.67 के आसपास इसका, न्यूटन के आसपास इसका वेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो वो सारे हमें समझ में आए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, वेट और मास, ये सारा ग्रेविटेशन का सारा कंप्लीट हो गया, अब हम काम करेंगे फ्लूइड्स पे, यानी कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आपका वर्क कितना है, क्या है, जितना भी हमने आज किया है वो सारा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, एंड नोट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको याद होगा क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि सारे नोट्स आपको मिलते रहे, और जो भी नोट्स आपको चाहिए वो सारे आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।